दर्शन न्यूज कुमार मुर्दाबाद 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 जसवी यादव मुर्दाबाद 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 स्मृति ईरानी मुर्दाबाद 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 इत इत बता देंगे माझी प्रखंड मुख्यालय स्थित बाल विकास परियोजना कार्यालय के समीप अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी सेविका व सहायिकाओं का धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। इस दौरान आंगनबाड़ी कर्मियों ने सरकार के खिलाफ रोषपूर्ण प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका संघ की प्रखंड अध्यक्षा कुमारी सुषमा एवं सचिव चांदनी कुमारी सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि सरकार को आंगनबाड़ी कर्मियों की मांगों को हर हाल में पूरा करना पड़ेगा। मांगों को पूरा करने को लेकर इस बार सरकार से हमारी लड़ाई आर पार की है। सरकार सरकारी कर्मी व नर्सरी शिक्षिका का दर्जा दे, सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ग्रेजुएटी लागू करे, 50% सेविकाओं को पदोन्नति दे, सेविकाओं को 25,000 व सहायिकाओं को 18,000 रुपए मानदेय की घोषणा भी करे। सरकार हजारों मांगे अविलंब नहीं मानती है तो हमारा आंदोलन अनिश्चित काल तक जारी रहेगा। हम सभी बहने एकजुट है और सरकार के किसी भी झांसे में आने वाली नहीं है। धरना प्रदर्शन के दौरान सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कर्मी मौजूद थी। माझी से वीरेश सिंह की रिपोर्ट। मैडम आप लोगों का कितना दिनों से हड़ताल चल रहा है? 3 तारीख से चल रहा है लगातार, अभी तक 14 तारीख हो गया, 12 दिन हो गया जी हम लोग 12 दिन से लगातार हड़ताल पे हैं। और सरकार से हमारी मांग है कि हमारा सरकार मानदेय हटाकर वेतनमान लागू करे, सरकार कम से कम सेविकाओं को 25,000, सहायिकाओं को 10,000 दे। और सरकार से हम कहना चाहते हैं कि सरकार इतने दिन से हम लोग अनिश्चित हड़ताल पे हैं, सरकार अपने कान मूंद कर बैठी हुई है। उस सरकार को हम कहना चाहते हैं कि अपने कान को खोलिए, इस सहायिका सेविका कितना मेहनत करती है उस पर ध्यान दीजिए। सरकार जब सबको कुछ ना कुछ बढ़ा रही है तो सेविकाओं पर भी ध्यान दीजिए। आखिर सेविका भी तो इस देश की महिला है, कि उसको भी आप आगे बढ़ाइए। अगर सामान का हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, सरकार से छुपा नहीं है, आगे भी हम लोग जी जान लगा के मेहनत करेंगे। और सरकार को चाहिए कि समान काम का समान वेतन दे। हम जितना मेहनत करते हैं मजदूरी भी मजदूरों के बराबर भी मजदूरी हमको नहीं मिलता, इसलिए हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार मजदूर भी समझे। हम क्या है, सरकारी कर्मी है कि मजदूर है? अगर मजदूर है तो मजदूरी भी दे सरकार उतना हमको मजदूरों के हिसाब से, तभी भी सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं है। क्या नाम है मैडम आपका? क्या नाम है आपका? चांदनी कुमारी सिंह, माझी प्रखंड की सचिव बोल रही हूँ। कौन पंचायत? पंचायत घोरहर। सरकार हमारी मांगी पूरी करे, और हम घोरहट पंचायत की हूँ, मनसा देवी हूँ। और हमारा मांग यही है सरकार से कि माने समान काम का समान वेतन चाहिए। समान जाना, हाँ समान जाना, 25,000 कम से कम हमको वेतन दीजिए, यही हमारा मांग। थैंक यू। मोबाइल बोलिए मैडम। सरकार से हम यही कहना चाहते हैं कि हमें सरकार 5,950 रुपया मानदेय देती है, उस मानदेय में आजकल के समय में हम लोग का क्या भरण पोषण हो पाएगा? हम लोग किस तरह अपनी सेविका और सहायिका अपनी ज़िंदगी को जीते हैं वो हम ही जानते हैं। हम सरकार से बेहतर ही कौन जान सकती है? इतना महंगाई है, महंगाई चरम सीमा पर है, और हमारा मानदेय इतना कम है कि हम भर पेट नमक रोटी भी नहीं खा सकते हैं। इसीलिए सरकार से अनुरोध है कि हमें मानदेय ना देकर वेतनमान करे, हमें सरकारी कर्मी घोषित करे। अगर वो नहीं दे सकती है तो कम से कम 25,000 से कम हम लोग को उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। सरकार से हम नम्र निवेदन करके आश्वासन के अंदर से मतलब विश्वास करते हैं कि सरकार हमारी मांग को जरूर पूरा करेगी। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम गीता कुमारी है। कौन पंचायत? दाऊदपुर पंचायत है।